विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो कौन सी डिग्री है जो भारत में पिछले कई दशकों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अब तक कोई हासिल न कर सका? क्या आप जानते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कितनी डिग्रियां हासिल की है? उनकी प्रथम कक्षा की पढ़ाई से लेकर उन तमाम रिकॉर्ड ब्रेक डिग्रियों की जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी के साथ उन्होंने अपनी विद्वत्ता की छाप समाज के हर क्षेत्र पर छोड़ी है। अधिकतर लोग डॉक्टर अंबेडकर को केवल भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और कुछ लोग उन्हें एक दलित नेता के रूप में जानते हैं, परंतु यह पूरा परिचय नहीं है, ये तो अंश मात्र परिचय है। वास्तव में वे एक लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, प्रतिभाशाली एवं जुंजारू लेखक और राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र निर्माताओं की सूची में डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रथम आता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की नींव में सभी सामाजिक समूहों के अधिकार को सुनिश्चित किया। उनका विशेष जोर भारतीय महिलाएं एवं पिछड़े वर्गों के अधिकार पर था। वे कहते थे कि हमें राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र को मजबूत करना होगा। खैर छोड़िए, ये मेरा आज का विषय नहीं है। बाबा साहब के कार्य पर बात करें तो समय अधूरा पड़ जाएगा। तो चलिए अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर और शुरुआत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर के बचपन से। बाबा साहब अंबेडकर ने महाराष्ट्र के सातारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1896 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का आरंभ हुआ, इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब इस सफलता को अच्युतों के बीच सार्वजनिक समारोह में मनाया गया, क्योंकि तब यह अच्युतों में एक असामान्य बात थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्पिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्पिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए डिग्री प्राप्त की। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे अकेले व्यक्ति थे। इसके बाद वे बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे और आगे 1913 में अंबेडकर 22 साल की आयु में अमेरिका चले गए, जहां उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा का अवसर प्रदान हुआ। बड़ौदा सरकार द्वारा उन्हें 3 साल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। सन 1915 में बाबा साहब ने कला शाखा से एमए परीक्षा पास की, जिसमें मुख्य विषय अर्थशास्त्र था और उनका रिसर्च थेसिस एंसेंट इंडियन कॉमर्स यानी प्राचीन भारतीय वाणिज्य था। इसी के साथ बाबा साहब ने सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और पाली जैसे विषयों का भी अध्ययन किया। सन 1916 में दूसरा रिसर्च थेसिस प्रस्तुत किया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी के साथ 1916 में ही तीसरा रिसर्च थेसिस इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया प्रस्तुत किया। बाबा साहब के इस संशोधन के लिए उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1916 में पीएचडी इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया। इस डिग्री के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे मानद डॉक्टर की उपाधि के कारण उन्हें भारत में उच्च शिक्षित व्यक्तित्व से पहचान मिली। बाबा साहब को 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए, क्योंकि बाबा साहब की पढ़ने की भूख अभी थमी नहीं थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट डॉक्टरेट की थीसिस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें 4 साल के भीतर अपना थीसिस पूर्ण करने के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बाबा साहब की पढ़ने की भूख खत्म नहीं हुई थी, वो और आगे पढ़ना चाहते थे। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए हुए भेदभाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में बतौर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की बचत की। इसी के साथ 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। 1921 में एक और प्रबंध प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण को प्रस्तुत किया। इस विशेष कार्य के लिए उन्हें एमएससी इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्रदान की गई। अब बाबा साहब ने अपना संपूर्ण ध्यान पोस्ट डॉक्टरेट पर लगा दिया। बाबा साहब जानते थे कि भारत में सामाजिक कार्य के लिए कायदे कानून पर पकड़ होनी चाहिए।
इसीलिए उन्होंने लंदन के ग्रेज इन कॉलेज में बैरिस्टर की पार्ट टाइम पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। 1922 में उन्हें ग्रेज इन कॉलेज ने बार एट लॉ की डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। हालांकि ज्यादातर लोग बाबा साहब को बैरिस्टर के पेशे से ही जानते हैं, लेकिन बैरिस्टर की डिग्री बाबा साहब ने अर्थशास्त्र के पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम हासिल की हुई डिग्री है। वैसे तो 1922 में ही बाबा साहब ने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए प्रबंध प्रस्तुत किया, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपयों की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, जिसमें अंग्रेजों की गलत आर्थिक नीतियों पर आक्रामक हमला किया और इसी के कारण उनके प्रबंध को मान्यता नहीं मिली। लेकिन बाबा साहब की विद्वत्ता के सामने हार मानते हुए उन्हें अगले साल 1923 में इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से सम्मानित किया गया। अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर BA, MA, PhD, MSc, DSc और बार एट लॉ जैसे 6 डिग्रियों के साथ भारत के सबसे प्रतिभाशाली विद्वान बन गए थे। इतनी सारी डिग्रियां अन्य किसी भारतीय नेता के पास भी नहीं थी। सन 1896 से लेकर 1923 तक 27 साल बाबा साहब ने अपना जीवन सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। कोलंबिया और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 1950 के बाद तीसरी और चौथी डॉक्टरेट LLD और DLit से बाबा साहब को सम्मानित किया है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, बाबा साहब अंबेडकर की वो कौन सी डिग्री है जो आज तक किसी भी भारतीय को हासिल करने नहीं आई? तो इसका जवाब है, सन 1923 में बाबा साहब को मिली डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री। जी हाँ, 1923 से लेकर आज तक 100 सालों में किसी भी भारतीय को DSc इन इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करने नहीं आई। बाबा साहब अंबेडकर भारत के अब तक के सबसे महान इकोनॉमिस्ट हैं, ये उनके डिग्रियों से भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स, DSc इकोनॉमिक्स और बार एट लॉ। इन 6 डिग्रियों में 5 डिग्रियां तो केवल इकोनॉमिक्स की है और DSc इन इकोनॉमिक्स तो बाबा साहब के अलावा अन्य किसी भी भारतीय को अब तक हासिल करने नहीं आई। तो चलिए इसकी जांच करके देखते हैं। भारत के प्रथम अर्थ मंत्री R.K. शनमुखम चट्टी से लेकर निर्मला सीतारमन तक कुल 28 अर्थ मंत्री हुए हैं, लेकिन केवल मनमोहन सिंह एकमेव ऐसे अर्थ मंत्री हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि 28 में से 27 अर्थ मंत्री ऐसे हुए जिनका क्वालिफिकेशन PhD इन इकोनॉमिक्स तक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में आता है और उनका क्वालिफिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD इन इकोनॉमिक्स है, लेकिन DSc नहीं है। एक और भारतीय अर्थतज्ञ है अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज तक मिला है और उनका क्वालिफिकेशन भी केवल PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, DSc नहीं है। भारत में इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी पोस्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की मानी जाती है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ से लेकर शक्तिकांत दास तक कुल 25 गवर्नर हुए हैं। शुरुआती दौर में ज्यादातर गवर्नर इंडियन सिविल सर्विस पास भारतीय ही बनते थे, लेकिन 1977 में डॉक्टर IG पटेल प्रथम PhD होल्डर रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। इसके बाद 11 गवर्नर ऐसे हुए जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, लेकिन उन सभी गवर्नर का क्वालिफिकेशन भी केवल PhD इन इकोनॉमिक्स है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का क्वालिफिकेशन तो मास्टर इन इकोनॉमिक्स तक नहीं है, वे इतिहास के मास्टर ऑनर्स हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अब तक कुल 25 डेप्यूटी चेयरमैन हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स नहीं है। सन 1923 में बाबा साहब अंबेडकर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, जो केवल उनके नाम पर दर्ज है, जिसे 2020 तक पिछले 97 सालों तक कोई भी भारतीय हासिल नहीं कर सका। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के अब तक के सबसे महान अर्थतज्ञ थे, इसीलिए उनके अन्य कार्यों में भी इसका प्रभाव दिखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, इसीलिए भारतीय संविधान दुनिया का एकमेव ऐसा संविधान है जिसमें सर्वाधिक इकोनॉमिक लॉ है, क्योंकि इसे बनाने वाला महान शख्स दुनिया का महान अर्थतज्ञ था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है। बाबा साहब का DSc का रिसर्च थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल रूप यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति यानी काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टर यंग कमीशन के सामने 1926 में रखा था। ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन की जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है, ज्यादातर इतिहासकार और नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों के नेता के रूप में प्रचारित करते हैं। Thank you.
Thank you.